हेलो फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फिजिकल एजुकेशन का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कॉमन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिफॉर्मिटी किसे बोला जाता है तो डिफॉर्मिटी इज सिंपली स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन द बॉडी पार्ट और द कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉडी और द जॉइंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स कि जिनकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रही या उसकी स्ट्रक्चर ख़राब हो चुकी है तो उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी आप डिफ़ॉर्मिटी दोस्तों बेसिकली फाइव टाइप्स की होती है नंबर वन पे आपके पास आती है स्पाइनल कर्विचर डिफॉर्मिटी मतलब ये डिफॉर्मिटी आपकी स्पाइन से रिलेटेड है कि जब आपकी स्पाइन में स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी दूसरे नंबर पे जो हम डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे दैट इज़ नोक नीज डिफॉर्मिटी फिर हम पढ़ेंगे फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बो लेग्स डिफॉर्मिटी और उसके अलावा एक डिफॉर्मिटी और हमारे पास आती है जो है राउंड शोल्डर्स तो ये पाँच तरह की दोस्तों डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं तो सबसे पहले आज जो हम डिफॉर्मिटी डिस्कस करेंगे वो है स्पाइनल कर्वेचर तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी आपकी स्पाइन से रिलेटेड डिफॉर्मिटी है और आगे फर्दर जो स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी है दोस्तों वो तीन तरह की होती स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी है दोस्तों वो तीन तरह की होती है नंबर वन पे आती है काइफोसिस नंबर दो पे आते है लोर्डोसिस और नंबर थ्री पे आती है स्कोलियोसिस तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइफोसिस की तो वट इज काइफोसिस बेसिकली सो दोस्तों काइफोसिस इज बेसिकली का फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द अपर बैक मतलब हमारी जो अपर बैक की स्पाइन है जब वो ज्यादा आगे की तरफ बेंड हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं काइफोसिस काइफोसिस को हंच बैक प्रॉब्लम भी बोला जाता है जैसे आपने ऊंट के ऊपर देखोगे ना उसकी बैक पे हंच बनी होती है तो सेम यही चीज देखने को मिलती है काइफोसिस डिफेक्ट के अंदर तो जिन लोगों को काइफोसिस डिफॉर्मिटी होती है उनकी जो अपर बैक है उनकी अपर बैक की जो स्पाइन है वो 50 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे बेंट हो जाती है आप डिस्कस करेंगे काइफोसिस के कारण कि क्यों काइफोसिस की बीमारी होती है तो सबसे पहला कोर्स दोस्तों काइफोसिस का आता है माल न्यूट्रिशन कि अगर आप ढंग से प्रॉपर न्यूट्रियट अपने फूड में नहीं ले रहे आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे तो ये 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 प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं सेकंड जो कॉज है काइफोसिस का वो है हैवी वेट लिफ्टिंग के अगर आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हो अपनी कमर के बल पे कमर पे आप बहुत ज़्यादा बोझ उठाते हो तो उससे भी ये डिफेक्ट आ जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं कि काइफोसिस की रेमेडीज़ क्या क्या हैं कैसे हम काइफोसिस की डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं तो पहला जिससे आप काइफोसिस की डिफ़ॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं वो ये है कि सोते टाइम आपने पिल्लों साथ रखना है पिल्लों को अपनी बैक के नीचे रखना है सोते टाइम दूसरा जो आप कर सकते हो मेथड अपना सकते हो इस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए वो है छोटी छोटी एक्सरसाइज जैसे कि आप स्टैंडिंग पोजिशन में अपने हेड को पीछे की तरफ ऐसे बैंट कर सकते हो कि अगर आप पीछे की तरफ ऐसे स्टैंडिंग पोजिशन में अपनी हेड को बैंट करोगे तो उससे आपको आराम मिलेगा और ये डिफॉर्मिटी जो है दूर हो सकती है इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा दोस्तों इस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए आप स्विमिंग कर सकते हो स्विमिंग करने से भी आपकी जो ये डिफॉर्मिटी है वो दूर होगी इसके अलावा आप योगासन कर सकते हो जैसे कि धनुरासन और चक्रासन ये आसन करने से भी आपका ये जो डिफॉर्मिटी है ये दूर होगी तो ये थी दोस्तों काइफोसिस अब हम बात करेंगे लोरडोसिस के बारे में सो so, दोस्तों लोरडोसिस क्या है तो लोडोसिस दोस्तों वो डिफॉर्मिटी है जिसमें हमारी जो बैक है लोअर बैक है वो आगे की तरफ ज़्यादा बेंट हो जाती है मीन्स द एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द लोअर बैक इन द फ्रंट मतलब सामने की तरफ ज़्यादा की मतलब आगे की तरफ ज़्यादा कन्वेक्स शेप में जब वो चली जाती है हमारी लोअर बैक तब जो ये डिफॉर्मिटी आती है उसे हम बोलते हैं लोरडोसिस अब लोडोसिस के क्या क्या रीजंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों वही आता है कि इम प्रॉपर डाइट अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे तब आपको ये डिफेक्ट हो सकता है उसके बाद दोस्तों आपके पास आता है इम प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स कि अगर आपकी मसल्स प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो रही हैं तब भी ये डिफेक्ट बॉडी में आ जाता है तीसरा हमारे पास आता है ओवरवेट और ओबेसिटी ये सबसे बड़ा रीज़न है ये डिफॉर्मिटी आने का कि अगर आप ओवरवेट हो तो ओवरवेट होने से भी बॉडी इनबैलेंस हो जाती है और इस वजह से आपकी जो स्टमक है वो बाहर की तरफ निकल जाती है और पीछे से जो बैक है वो अंदर की तरफ चली जाती है नेक्स्ट जो कॉज है इसका वो है डिसीज़ जो स्पाइनल मसल से रिलेटेड है तो स्पाइनल मसल से रिलेटेड डिसीज़ जैसे कि ट्यूबर इन स्पाइन स्पाइन बोन्स उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है ये डिफॉर्मिटी आ जाती है बॉडी के अंदर तो ये तो, तो इसके कोज कॉज के बाद अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कि इस डिफ़ॉर्मिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है तो दोस्तों इसको प्रिवेंट करने के मेथड्स में सबसे पहला आता है कि बैलेंस डाइट शुड बी एडेड आपको एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें लगभग हर तरह के न्यूट्रेंट्स अवेलेबल हों सेकेंड आता है कि आपको जो है जब आप वेट उठाते हो किसी भी तरह का तो आपको स्ट्रेट खड़ना है वेट उठाते टाइम बिल्कुल स्ट्रेट रहना है जब भी किसी तरह का वेट आप उठाते हो तीसरा जो आपके पास आता है मेथड जिससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो दैट इज़ नेवर टेक एक्सेसिव फूड फालतू भोजन मत खाएं ज़्यादा खाना मत खाएं ठीक है नेक्स्ट आता है मेंटेन योर वेट सबसे ज़रूरी आपको अपना वेट मेंटेन करना होगा अगर इस डिफॉर्मिटी से छुटकारा पाना है नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी रेमेडीज कैसे इसको ठीक किया जा सकता है तो रेमेडीज में दोस्तों हमारे पास आता है नंबर वन पे आता है कि इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं जैसे कि टो टचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो टेन मिनट्स के लिए इस एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा और ये ये जो डिफ़ॉर्मिटी है ये दूर होगी नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो परफॉर्म सिटप्स रेगुलरली डेली आप सिटअप्स जरूर लगाएं उससे आपकी जो ये डिफॉर्मिटी है वो दूर होगी नेक्स्ट आता है कुछ आसन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो जैसे कि हल आसन हल आसन आप परफॉर्म कर सकते हो इसके अलावा विपरीत करनी आसन तो ये आसन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो इस डिफॉर्मिटी को दूर करने के लिए तो ये था दोस्तों लोडोसिस अब हम बात करेंगे स्कोलियोसिस की अब स्कोलियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कोड है वो साइडवेज में बेंट होती है साइडवेज में बेंट होने से क्या होता है आपके शोल्डर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं साइडवेज में बेंट होने से कुछ इस तरह की डिफॉर्मिटी आ जाती है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जो स्पाइन है वो साइडवेज में बेंट हो जाती है एक तरफ को तो जिस तरफ वो बेंट होगी उस तरफ को इस तरह से बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता है या इस तरह से ठीक है तो इसे बोलते हैं स्कोलियोसिस अब स्कोलियोसिस के रीजंस क्या क्या हैं नंबर वन रीजन इसमें दोस्तों ये आता है कि कैरिंग द कैरिंग वेट बाय वन साइड ओनली कि अगर आप सिर्फ एक ही साइड से वेट उठाते हो तो ऑटोमेटिकली उस तरफ आपकी जो स्पाइन है वो बेंट होगी ही होगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक ही हाथ से मतलब एक ही साइड से वेट उठाते हो मान लिया मैं इस हाथ से वेट उठाता हूँ रेगुलर बेसिस पे तो ऑटोमेटिकली उस वेट की वजह से मेरी जो स्पाइन है उसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है उसके अलावा और क्या क्या रीजन्स हैं इसके बर्थ डिफेक्ट बाई बर्थ भी जन्म से भी आपके अंदर ये डिफॉर्मिटी हो सकती है और इसके अलावा रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर अगर आप खड़ते गलत हो आप सही तरीके से आपका स्टैंडिंग पोजिशन गलत है आप सही तरीके से खड़े नहीं होते तो उससे भी दोस्तों ये डिफॉर्मिटी आ जाती है इसके अलावा रॉन्ग फर्नीचर अगर आपके घर में जो फर्नीचर है वो सही तरीके का नहीं है उस पर बैठ के आपका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो सकता है इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रीजन आ सकता है इसके लिए वो है डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द लेग्स कि अगर किसी पर्सन की जो टांगे हैं उसकी लेग्स हैं उनमें डिफरेंस है कि एक लेग बड़ी है एक छोटी है तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी का पोस्चर खराब ही होगा जो टांग बड़ी है वहाँ से वो थोड़ा ऊपर उठा होगा जो टांग छोटी है वहाँ से थोड़ा नीचे और ये इसके बॉडी में डिफेक्ट आना ही आना है अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या प्रिक्योशन्स ले सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा नंबर वन पे दोस्तों आता है कि कभी भी एक सिंगल हैंड से वेट मत उठाएं अगर सिंगल हैंड से आपने वेट उठाया भी है तो ज़्यादा दूर तक मत चलें आप हाथ बदलते रहें अगर आपके एक हाथ में बहुत ज़्यादा वेट है उसको उठा के आप चल रहे हो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हैंड्स को एक्सचेंज करते रहें अब दूसरे हाथ पे वजन दे दो ठीक है ना कभी इस हाथ पे वज़न लेके सामान चल रहे हो तो थोड़ी देर बाद उस सामान को दूसरे हाथ पे शिफ्ट कर लो जिससे आपका जो है इक्वलिटी बनी रहे लोड की दोनों तरफ ठीक है कि ज़्यादा देर तक आपको एक ही साइड से वेट नहीं उठाना है उसके बाद दोस्तों दूसरा प्लिक्वेशन आप ले सकते हो ऑलवेज स्टैंड इन करेक्ट पोस्चर सही पोस्चर से आपको खड़ा होना है अपने पोस्चर का जरूर ध्यान रखें नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड डाइट डाइट अच्छी लें नेक्स्ट आता है कि जब आप स्टडी करते हो तो साइड वे पोजिशन में मत करो बेंट होके ठीक है ना स्टडी शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग पोजिशन जब पढ़ते हैं तो इस तरह से कुछ बेंट होके मत पड़ेंगे अगर आप टेबल पे बैठे हो स्टडी टेबल पे तो इस तरह से ऐसे बेंट हो मत पढ़ो ठीक है ना साइडवेज बेंट मत लो पड़ता टाइम कुछ लोगों की हैबिट होती है तो वो नहीं करना तो ये तो थे प्रिक्योशन अब हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज के क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं इस डिफेक्ट की तो रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं दोस्तों नंबर वन पे आता है कि इसको ठीक करने के लिए जो है आप स्विम कर सकते हो बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक उसका इस्तेमाल कर सकते हो इसको सही करने के लिए डिफेक्ट को आप जो है कुछ आसनस कर सकते हो जैसे कि त्रिलोक आसन अर्ध चक्रासन ठीक है ना ये आसन आप कर सकते हो ठीक है जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस डिफेक्ट को दूर करने में और ये आसन आपको उस तरफ करने हैं जिस तरफ मतलब अपोजिट साइड में करने हैं जिस तरफ आपकी जो स्पाइन है वो मुड़ी हुई है जैसे आपकी स्पाइन अगर लेफ्ट साइड पे मुड़ी हुई है तो इन आसन को आप राइट साइड की राइट वाली साइड में परफॉर्म करोगे अपोजिट डायरेक्शन में ये आसन परफॉर्म करने हैं दोस्तों ये थी आज की वीडियो आई होप सबको पसंद आई होगी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें कमेंट करें क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर